नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 8 मच्छरों की दावत के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ मच्छरों की दावत एक ऐसा पाठ है जिसमें मच्छरों के कारण होने वाले मलेरिया रोग पर चर्चा की गई है। इसमें मलेरिया रोग के कारण जांच और इलाज के बारे में भी बताया गया है। इस नवाचार की नवीनता को यदि देखा जाए तो इस नवाचार में छात्र सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्त की कला और लेखन शैली का भी विकास करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन के लिए विभिन्न बीमारियां जैसे कि मलेरिया कारण और बचाव को आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों के माध्यम से पाठ को दोहराते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक एक छोटा बॉक्स, रंगीन चार्ट पेपर और एक स्केच पेन की व्यवस्था करते हैं। साथ ही कुछ निर्देशों का पालन भी करना होता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पूर्व ही छात्रों से पाठ से संबंधित नए शब्द, वाक्य, कहानी, कविता, समाचार और मन की बात वाले शब्दों को पर्ची पर लिखकर लाने के लिए कहा जाता है। छात्र पर्ची के दूसरी ओर अपना नाम और कक्षा अवश्य लिखेंगे। शिक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्रों की भागीदारी हो रही है या नहीं। साथ ही शिक्षक जिन बच्चों को वाक्य बोलने में कठिनाई होती है उन्हें सहायता भी प्रदान करते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में पाठ में आए हुए नए शब्दों, वाक्यों की पर्ची बनाकर विभिन्न बीमारियां जैसे मलेरिया कारण और बचाव से पाठ का पुनः अध्ययन कराते हैं। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू किया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ का निर्माण और व्याख्या पहले से कराई जा चुकी हो। गतिविधि से पहले बॉक्स को रंगीन पेपर आदि से सजा देते हैं जिससे कि छात्रों में जिज्ञासा बनी रहती है। अब शिक्षक गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से कहते हैं कि आज हम इस बॉक्स के द्वारा एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? संभावित उत्तर में छात्र हाँ कहते हैं। अब शिक्षक एक छात्र को बुलाते हैं और बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं और बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलेंगे उसका नाम शब्द सागर है। अब छात्रों को आगे खेल के नियम भी समझाए जाते हैं। इसके बाद शिक्षक छात्रों से पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। अब एक छात्र आगे आता है और बॉक्स से पर्ची निकालता है और बुलंद आवाज में उसे पढ़ता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे छात्र ने पर्ची निकाली और उस पर माना कि लिखा है कूलर में पानी जमा होने से शब्द, तब छात्र बताएगा कि कूलर में पानी जमा होने से मलेरिया का रोग उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा छात्र आएगा और वह भी बताएगा कि एक पर्ची निकालेगा और माना कि उसकी पर्ची में पानी में मिट्टी का तेल छिड़कना लिखा है, तो वह पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएगा कि रुके हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कने से मलेरिया से बचाव किया जा सकता है। इस प्रकार छात्र बारी बारी से आते हैं और पाठ के खेल को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे कि अपनी पसंद की कहानी, कविता आदि से बातचीत करना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, तर्क देना इत्यादि, चित्र, पोस्टर आदि से पाठ का आनंद उठाते हुए अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं। घर व आसपास का अवलोकन करके विभिन्न वस्तुओं को पहचानना की कला को सीखते हैं। साथ ही साथ वर्ण, अक्षर और ध्वनि आदि से अपनी भाषा को बोलने की समझ भी विकसित करते हैं। शब्द सागर गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है व उन्हें समान अवसर प्राप्त होता है। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि से कहने की अपनी समझ विकसित करते हैं, साथ ही भाषा की बारीकियों को भी समझते हैं। इस नवाचार में PRP अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। साथ ही पाठ मच्छरों की दावत को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस नवाचार से छात्रों में
गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता तथा जीवन कौशल मूल्य के साथ पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है। नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।